हेलो फ्रेंड्स, आकाश कुमार लाइफ स्टाइल ट्रेनर, ड्राइविंग स्कूल विभूतिकरण गोमती नगर लखनऊ। आज जो ड्राइविंग मेरे साथ में कर रहे हैं, अल्टो कार पावर स्टीयरिंग चला रहे हैं। अल्टो कार 800 सीसी इंजन होता है, मारुति सुजुकी की कार होती है, तीन सिलेंडर की कार होती है, बड़ा ही स्पीड हल्का सा। जो मेरे साथ में ड्राइविंग कर रहे हैं, क्या नाम भैया जी आपका? कुंवर विश्वजीत सिंह। क्या जी नाम है? कुंवर विश्वजीत सिंह। कुमार विश्वजीत सिंह नाम है इनका, ठीक है। और ये आपके MIT चौराहे से आते हैं, गोमती नगर लखनऊ से। आज आपको कितने दिन सीखते हुए हो गए हैं? दो दिन। आज इनका सेकेंड डे सीखते हुए हो गए हैं। सेकेंड गियर पे कार चल रही है इनकी। आप एक बार कार अपनी खड़ी करिए साइड में, ठीक है, और फिर से चलाना बताइए कैसे चलाते हैं। फर्स्ट और सेकेंड गियर आपको कितना चलाना आया हो? यहाँ पे खड़ी कैसे करते हैं कार? पूरा क्लच दबा के खड़ी करते हैं ना भैया? पूरा क्लच दबाइए, पूरा क्लच दबाइए, गुड। धीरे से ब्रेक पैर रखे भाई, जब आप ब्रेक पैर नहीं रखेंगे फिर कैसे आपकी कार खड़ी होगी, ठीक है। चलो फर्स्ट गियर लगाइए, पूरा क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाइए, गुड। ये फर्स्ट गियर हो गया, ठीक है। चलिए धीरे धीरे किले छोड़िए, राइट रखिए, हल्का कर, मिरर में देख के राइट, मिरर में देख के भाई, ठीक है। हल्का से भी राइट या लेफ्ट टर्न करना होगा, मिरर देख के, फिर एक आँख सामने रहेगी और एक आँख साइड में रहेगी, ठीक है भाई, दोनों साइडों में। ये बैक मिरर आपका हो गया, ठीक है। चलिए, ये आपका फर्स्ट गियर होगा। फर्स्ट गियर जो होता है, जब भी आपकी कार खड़ी होती है उस समय फर्स्ट गियर आपको यूज करना होता है। फर्स्ट गियर में स्पीड करीबन 10 या 15 की स्पीड हो जाती है, उसके बाद आपको सेकंड गियर लगाना पड़ता है। सेकंड गियर लगाने के लिए क्लच दबाइए पूरा भैया फटाफट, और सेकंड गियर लगाइए फटाफट, लेफ्ट में पीछे और पीछे, गुड, लग गया बढ़ाइए, छोड़े क्लच धीरे से, बढ़ाइए एक्सीलेटर धीरे धीरे, एक साइड में जगह छोड़ के रखा करो पीछे से जो लोग आते हैं उनको निकलने के लिए भैया। चलिए चलिए जाने, गुड। हल्का से लेफ्ट और आ जाओ, गुड, बगल से कार निकल गई, बहुत बढ़िया। सीधे स्ट्रीट जाना होगा आपको। ड्राइविंग सीखने या कुछ भी सीखने में सारा खेल जो होता है वो स्टूडेंट पे ही होता है। जितना आप ध्यान देंगे उतना जल्दी आपको सीखना होता है। 15 डेज का कोर्स होता है, मेरी कोशिश रहती है कि आपको 8 से 10 दिन में सिखा देना होता है, ठीक है। सीधे स्ट्रेट और उनका इस्तेमाल कर लिया, अगर इसे कार देखे टर्न हो रही है ना, गुड। कई लोग होते जो मिरर नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, लोग निकले तो कुछ भी नहीं करना। ये पे अगर ये वाहन आज जो आपके सामने था, ये अगर नहीं निकले तो आपको हल्का सा ब्रेक लेना पड़ता, वो खड़े हो जाते तो आपको क्लच दबा के धीरे से ब्रेक लगा के खड़ी करना पड़ता। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है ना भैया, हर एक जगह पे अलग अलग तरीके होते भैया, है ना। कहीं पे क्या रास्ता है, आपका क्या स्पीड है, कौन सा गियर लगा हुआ, आगे का ट्रैफिक कैसा है, उसके तरीके से ही कार आपकी चलती है, आपको चलाना होगा, ठीक है। ये लेफ्ट मिरर है ऊपर वाला? नहीं, लेफ्ट मिरर यहाँ पे होता भैया, वो बैक मिरर होता है। लेफ्ट मिरर अल्टो कार में नहीं होता,
इसमें अलग से लगवाना होता है, फिर जाके आता है लेफ्ट में। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ब्रेक पैर को हल्का सा पहले सामने दबा दिया, गलत किया देखो आपने, पूरा ब्रेक ही दबा दिया। इतना ब्रेक नहीं दबाना था ना भैया, आपको सिर्फ स्लो करना था ना, तो आपको हल्का सा ब्रेक यहाँ पे दबाना था, और क्लच का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, क्लच आपको नहीं लेना था, क्योंकि आपको हल्का सा ब्रेक दबाना था, तो क्लच का कोई ज़रूरत नहीं होती है हल्का सा ब्रेक दबाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे डबल स्पीड ब्रेक करें, यहाँ पे आपको हल्का सा ब्रेक लेना होगा, बस छोड़ दीजिए ब्रेक, जाने दीजिए, निकल के ना कार बढ़िया से। अब स्पीड ब्रेकर में हल्का सा तो आवाज़ आएगी ही ना, वे कार आप निकालेंगे। चलो